हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम। यार ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, डू डस डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड वगैरह वगैरह जो आपके सामने लिखी हुई हैं, अगर इनका सिर्फ पोजीशन बदल दिया जाए तो पूरे वाक्य को सवाल से जवाब और जवाब से सवाल में बदला जा सकता है। नहीं समझ में आया? डोंट वरी, दो तीन एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कहूँ कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवाल है मेरा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस आर को यू के बाद कर दीजिए, जवाब बन जाएगा। जैसे वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, जवाब बन गया। जैसे मैं कहूं कि वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ये क्वेश्चन है। इस विल को यू के बाद कर दीजिए, जवाब बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वेन यू विल कम, जब तुम आओगे, जवाब बन गया। जैसे मैं बोलूं कि हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, इस यू को कैन के बाद कर दीजिए, जवाब बन जाएगा। हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, जवाब बन गया। है ना कमाल की वीडियो? ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।